बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम ओहम्स लॉ है उसे हम स्टडी करेंगे। ओहम्स लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें 90% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। यानी कि अगर किसी को ओहम्स लॉ आता है तो 90% इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। ओहम्स लॉ इतना आसान और इतना बेसिक लेवल का है कि अगर एक नॉन इंजीनियर भी इसको समझना चाहे तो वो बेसिक इसकी बेसिक लॉजिक को भी समझ सकता है और उसे बेसिक कॉन्सेप्ट करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस का समझ लग सकता है और बेसिक लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं घरों में उनको वो रिजॉल्व कर सकता है। ओहम्स लॉ को अगर हम देखें तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, जो 1826 में जॉर्ज सिमन ओहम्स ने डिस्कवर किया। इसकी वजह से इसका नाम ओहम्स लॉ डिक्लेयर हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। अगर हम बाय डेफिनेशन ओहम्स लॉ को देखें तो ओहम्स लॉ बेसिकली क्या है कि ओहम्स लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। इसका मतलब क्या है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, सॉरी आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि वी इज इक्वल टू आई आर या आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ये ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है। अगर हम इसे देखें तो ये ओहम्स लॉ, इसे ट्रायंगल कहते हैं, ओहम्स ट्रायंगल कहते हैं। ओहम्स ट्रायंगल में हम ऊपर वोल्टेज रखते हैं, नीचे आई और आर रखते हैं। अगर हम वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज बेसिकली क्या है, आई इंटू आर। अगर हम करंट को देखें तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर आर, जबकि अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट। ये तीनों फॉर्मूलाज इसी ट्रायंगल के थ्रू हम जनरेट किए जा सकते हैं। और अगर इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने वोल्टेज को कैलकुलेट करना है तो मेरे पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, अगर मैंने करंट को कैलकुलेट करना है मेरे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, और इसी तरह अगर मैंने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो मेरे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू होनी चाहिए। एक जनरल एग्जांपल आप देख लें कि अ हीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट पावर लाइन, हाउ मच इज द करंट। अब मेरे पास वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो करंट इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वी क्या है, 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8, तो करंट हमारे पास आ गया है 15 एम्पीयर। दूसरी एग्जांपल, अ स्मॉल लाइट बल्ब विद रेजिस्टेंस ऑफ 2400 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 120 वोल्ट पावर लाइन, हाउ मच इज द करंट। तो हमने करंट इज इक्वल टू वी ओवर आर किया, 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2400 ओम, तो हमारे पास करंट आ गया 0.05 एम्पीयर। तो तीसरी एग्जांपल देख लें, इफ अ 12 ओम रेजिस्टेंस इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर, हाउ मच इज द वोल्टेज। अब हमारे पास रेजिस्टेंस है और करंट है, वोल्टेज नहीं पता, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट को आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, जब 2.5 को 12 ओम से मल्टीप्लाई किया तो 330 वोल्ट आ गए। और आखिरी, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए लाइट बल्ब इफ इट ड्रॉ 0.16 एम्पीयर फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी। अब देखें हमारे पास वोल्टेज भी आ गया और करंट भी आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो 12 डिवाइडेड बाय 0.16 इज इक्वल टू 75 ओम रेजिस्टेंस। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। एक जनरल ग्राफ देखिए, यहां पे हमारे पास वोल्टेज आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है 2 ओम, और यहाँ पे हमने करंट को मेजर करना है। तो आप देखो कि अगर मेरे पास वोल्टेज 0 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस 2 ओम, तो एम्पीयर भी 0 होगा। अगर वोल्टेज 2 वोल्ट है तो एम्पीयर 1 एम्पीयर करंट पास करेगा, अगर 4 है तो 2 एम्पीयर, इसी तरह 6 है तो 3 एम्पीयर, 8 है 4 एम्पीयर। तो आप अगर ग्राफिकली इसे ड्रॉ करो तो ये ग्राफ बनता है, यानी कि लीनियर ग्राफ बनता है कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। और इससे ये बात प्रूफ भी होती है कि ओहम्स लॉ जो है वो सिंपल स्टेट करता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। लेकिन इनवर्स रिलेशन क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस के साथ हो जाता है। होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।